आज की इस वीडियो में मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। और जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सर चैप्टर चैप्टर क्वेश्चंस को सॉल्व करें, मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए सभी प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स लाभ और हानि से इंक्लूड किए, और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 500 रूपए है तथा उसका विक्रय मूल्य 300 रूपए है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई, आपको ये बताना। दुकानदार पुस्तक कितने रुपए में खरीद के लाया, 500 रूपए में खरीद के लाया, और इसे बेच कितने में दे रहा है, 300 रूपए में बेच दे रहा है। अगर यहाँ से ये देखा जाए तो रुपए में उसे कितने रुपए की हानि हो गई, 500 रूपए में खरीद कर इसे 300 रूपए में बेच दिया, तो आप बता सकते कितने रुपए की हानि हो गई, इसे 200 रूपए की हानि हो गई। लेकिन यही हानि आपको किसमें बताना है, प्रतिशत में बताना है। किसमें बताना है, प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत हानि बराबर होता क्या है, प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100 होता है, और प्रतिशत हानि बराबर आपका यही होता है, ठीक है। अगर रुपए में पूछते तो हम क्या बताते हैं, 200 रुपए की हानि हुई, लेकिन रुपए में ना पूछकर किसमें पूछ रहे हैं, प्रतिशत में पूछ रहे हैं, तो प्रतिशत हानि बराबर आपको पता चल गया हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो इस पे रख के सॉल्व कर लिए तो यहां से हो जाएगा प्रतिशत हानि बराबर हानि कितने रुपए की हो रही है, 200 रुपए की हानि हो रही है। तो 200 बटा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना पुस्तक का, 500 रुपए, तो 500 इंटू क्या हो जाएगा, ये 100। तो यहां से कैलकुलेशन करिए तो ये देखिए 00 से इसका 00 कट गया, अगर मैं इसको यहां से काट दू 500 को 20, कितनी बार में कटेगी, 40 बार में कट जाएगा, अर्थात आप बता सकते हैं कि उसे कितने परसेंट की हानि हो गई, 40% की हानि हो गई। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक घड़ी को 200 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, आपको ये बताना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर इसे माइंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन में कहा क्या गया। अगर मैं मान लू जो भी घड़ी रही होगी इसका क्रय मूल्य अपने आप में 100% रहेगा, जो भी घड़ी रही है उसका क्रय मूल्य अपने आप में क्या रहेगा, 100% रहेगा। जब इसे इतने रुपए में बेच रहा है तो 20% की हानि हो जा रही है, कहने का मतलब ये कि क्या कि इसने 20% हानि पर अगर बेच दे रहा है, तो जो भी घड़ी का क्रय मूल्य अपने आप में 100% है और इसके अगर क्या रहा है 20% हानि पर बेच दिया, तो इसमें से दाम कितने का ले रही है, आप बता सकते हैं कितने परसेंट का दाम ले रहा है, 80% का दाम ले रहा है। लेकिन रुपए में कितने रुपए में बेच रहा है, इतने रुपए में 200 रुपए में बेच रहा है, परसेंटेज में कितना बेच रहा है, 80% का दाम ले रहा है। तो कह सकते 80% बराबर आपका 200 है, आप यहां से बराबर कर लीजिए, आपको करने के यहां से बराबर कर लीजिए। अब देखिए अगर यहां से मैं इसे भाग दे दूं तो मुझे क्या पता चल जाए, तो ये पूरा 1% का मान आ गया। अगर ये 1% का मान आ गया, आपको बताना क्या है, घड़ी का क्रय मूल्य बताना है। तो जो भी घड़ी का क्रय मूल्य अपने आप में 100% है, अगर मैं इसमें 100 से गुणा कर दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, घड़ी का क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। तो यहां से काटिए, देखिए 0 से 0 इसका कट गया, अगर मैं इसको यहां से काट दूं तो 8 दुना कितना हो गया, 16 हो गया, और 4 इधर गया, 8 25 40, तो इसका गुणा कर लिए कितना हो जाए, यहां से 250 रुपए आ जाएगा, अर्थात आप बता सकते हैं कि उस घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, 250 रुपए। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो डी सॉरी सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। आप इस क्वेश्चन को कैसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, अब मैं वो तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए घड़ी को जब इतने रुपए में बेच रहे हैं तो 20% की हानि जा रही, तो जो भी घड़ी का क्रय मूल्य रहेगा वो अपने आप में 100% रहा, अगर ये उसमें से 20% हानि पर बेच दे रहे हैं तो दाम कितना ले रहे हैं, 80% का। तो कह सकते हैं आपका ये 80% है, इसमें 80 से भाग दीजिए, 100 से गुणा कर लिए, घड़ी का क्रय मूल्य आपको पता चलेगा, ठीक है। करना क्या आपको, मैंने क्या बताया, इसमें 80 से भाग दे दीजिए, क्या करना है, 200 में क्या करिए, 80 से भाग दे, 100 से गुणा कर लिए, ये क्या आ गया, घड़ी का क्रय मूल्य आ गया। तो यहां से काटे कितनी बार करिए, 25 बार में, इसका कैलकुलेशन करिए कितनी, 250, ठीक है। लेकिन अगर आप एग्जाम में तो आप एग्जाम में ऐसे लगाएंगे, ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए किया, अगर आप एग्जाम में तो एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक कुर्सी को 700 रुपए में बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो पूछा गया तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा, आपको ये बताना है। यहां से क्या रहेगा, कुर्सी रहेगा, तो क्या बताना आपको, कुर्सी का क्रय मूल्य आपको बताना है। कुर्सी को जब 700 रुपए में बेचा गया तो 40% का क्या हो गया, लाभ हो गया, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, आपको इसमें यही बताना है, ठीक है। अगर मैं मान लू इसमें क्या शामिल है, जब इतने रुपए में बेच रहा हूं तो उसे क्या हो जा रहा है, 40% का लाभ है, तो आप बता सकते हैं इसमें क्या शामिल है, कुर्सी का क्रय मूल्य भी शामिल है, मतलब जो कुर्सी खरीदी गई होगी
100% इसमें शामिल ही है, प्लस क्या शामिल है, 40% लाभ भी इसमें शामिल है 700 रुपए में। तो आप बता सकते हैं ये कितना है, कह सकते हैं 40% है, क्योंकि इसमें 100% तो शामिल है प्लस 40% लाभ भी है। तो 700 जो है कह सकते 140% है, इसमें 140 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर लिए उसी अग्रह मूल्य आपको पता चलेगा। मैंने वो क्या बताया, इसमें 140 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर लिए क्या पता चल जाएगा, कुर्सी का अग्रह मूल्य आपको पता चल जाएगा 100 से गुणा कर लिए। तो यहां तक ये 0 से 0 कट गया, अगर मैं इसको यहां से काट दू 14 25 70, तो यहां से कैलकुलेशन करिए कितना ये 500 रुपए, अर्थात आप बता सकते हैं कि कुर्सी का अग्रह मूल्य कितना है 500 रुपए है। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। मैंने वो क्या बताया, जब ये कुर्सी को इतने रुपए में बेच रहा है तो इसे क्या हो जा रहा है 40% का लाभ है। तो कह सकते हैं इसमें क्या कुर्सी का क्रय मूल्य भी तो शामिल है, जो कुर्सी खरीद के लाए रहे वो दाम इसमें शामिल है, प्लस इसमें 40% लाभ शामिल है। तो कह सकते हैं 100 प्लस 40 कह सकते हैं 140% है, इसमें 140 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर लिए आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो दुकानदार को 75 रुपए अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा आपको ये बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, फिलहाल मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जो बहुत ही फास्ट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी है तो आपको करना क्या, 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा क्या 10% लाभ पर बेचा जाए तो दुकानदार को पहले से कितना रुपए अधिक मिलता है 75 रुपए अधिक मिलता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने ट्रिक यही है कि लाभ यानी हानि और लाभ दोनों को जोड़ के करने के 75 में भाग दे दिए, 100 से गुणा कर लिए आप क्या आ जाएगा आंसर। मैंने क्या बताया, लाभ और हानि को दोनों को जोड़ के इसमें भाग दे दिए, 100 से गुणा कर लिए आप क्या आ जाएगा आंसर है। तो आप लोग यहाँ पे कर ले रहे हैं, 75 में करना की अगर इसको इसको जोड़े कितना मिल जाएगा 15% मिल जाएगा, फिर करने की इसमें 100 से गुणा कर लिए तो यहां से भाग दीजिए तो 15 25 75 हो गया, 15 25 75, तो यहां से इसका कैलकुलेशन करिए कितना आ जाएगा, यहां से 500 रुपए आ जाएगा। अर्थात आप बता सकते हैं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 500 रुपए। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो उसी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपए में बेचता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, इसमें ये कहा गया जब कोई व्यक्ति है किसी वस्तु को क्या कर रहा है 10% हानि पर बेच रहा है तो ये कितने रुपए में बेच रहा है, इतने रुपए में बेच रहा है, आपको ये बताना है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आपको ये बताना है। ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य जो भी रहा होगा अपने आप में 100% रहा होगा, 100% रहा होगा। अगर ये 10% हानि पर बेच दे रहा है तो दाम कितने के ले रही है, 90% का दाम ले रहा है और रुपए में कितना ले रहा है 90। तो कह सकते जो 90 रुपए है आपका ये 90% है तो इसमें 90 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर ले आपको क्या पता चल जाएगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। तो यहां से करना है कि 90 में क्या करना है, 90 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करिए। तो यहां से ये करिएगा एक बार में, इसका कैलकुलेशन करिए कितना आएगा 100 रुपए। अर्थात आप बता सकते हैं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए है। तो देखिए कौन सा उसका मैच करा है, तो बी ऑप्शन किसका मैच करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति 90 रुपए की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है, अगर ये क्या कर इसे क्या कर रहा है, ये इतने रुपए क्या करता है 90 रुपए की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है, उसका विक्रय मूल्य आपको बताना है कि उसका विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो करने क्या, अगर ये 90 रुपए खरीद के लाए इसका दाम कितना 100% है, ये आप चाह क्या रहे हैं 10% लाभ चाह रहे, डायरेक्ट करिए इसका 110% निकाल लीजिए। ठीक है, अगर आप दो स्टेप में करना चाहते हैं तो मेरी बात को सुनिए, सबसे पहले ये करना होगा 10% निकाल करके फिर आपको क्या करना 90 में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से दो स्टेप हो जाएगा, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिससे क्या करें सिर्फ एक स्टेप में सॉल्व करेंगे। अगर ये जो भी वस्तु क्या 90 रुपए की है तो इसका मूल्य अपने आप में 100% होगा, अगर ये 100% होगा तो चाह क्या रहे 10% का लाभ चाह रहे तो डायरेक्ट करिएगा इसका 110% निकाल लीजिए आप क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। तो 90 करना क्या आपको डायरेक्ट 110% निकाल दीजिए। तो यहां से ये 00 से 00 कट गया, अगर इसका मैं गुणा करूं कितना हो जाएगा 9 * 9 = 9, अर्थात आप बता सकते हैं कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए 99 रुपए होना चाहिए, तब क्या होगा उसे 10% का लाभ हो जाएगा, तभी उससे क्या हो जाएगा 10% का लाभ होगा। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है 99 रुपए, तो सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है,
एक व्यक्ति ने एक साइकिल को 935 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ कमाता है तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या था, आपको ये बताना है। ठीक है, तो जो भी साइकिल का क्रय मूल्य होगा अपने आप पे 100% रहा होगा। जब ये साइकिल कितने रुपए में बेच रही है, 935 रुपए में बेच रहा है, तो ये क्या कर रहा है, 10% का लाभ कमा रहा है। ठीक है, तो इस 935 में क्या शामिल है, साइकिल का क्रय मूल्य शामिल है, तो जो भी साइकिल का अपने आप पे 100% है, और इसमें क्या शामिल है, 10% का लाभ शामिल है, 10% का लाभ शामिल। तो कह सकते हैं कुल कितना परसेंट है, 100 हो गया और 10, तो कह सकते हैं 110%। आप बता सकते हैं कि 935 कुल कितना परसेंट है, 100 कितना, 110% है। तो करने के इसमें 110 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर ले, आप क्या पता चले, साइकिल क्रय मूल्य आपको पता चले। मैंने वो क्या होता है, इसमें करने के 110 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर ले, तो आपको क्या पता चल जाएगा, साइकिल क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। तो ये 0 से 0 इसका कट गया, अगर मैं इसको यहाँ से काट दे, 11 बटे 88 हो गया, 5 इधर गया कितना, 55 हो गया, तो 11 बटे 55, तो यहाँ से कैलकुलेशन करिए तो कितना हो जाएगा, ये 850 रुपए आ जाएगा। अर्थात आप बता सकते हैं कि उस साइकिल क्रय मूल्य कितना है, 850 रुपए। तो देखिए कौन सा इसका मैच करा, 850 रुपए, तो बी ऑप्शन किसका मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी वस्तु को 110 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% का नुकसान, मीन्स क्या, हानि, यही ना, नुकसान का मतलब क्या, हानि, नुकसान होता है, नुकसान होता है, 8% का लाभ लेने हेतु व्यक्ति को वह वस्तु कितने में बेचनी चाहिए, आपको ये बताना है। इसमें दिया क्या, जब 110 रुपए में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, व्यक्ति को 12% की हानि या नुकसान होता है। अगर 8% का लाभ कमाना चाहता है वह व्यक्ति, क्या करना चाहता है, 8% का लाभ कमाना चाहता है, तो वस्तु को कितने रुपए में बेचने चाहिए, आपको ये बताना है। ठीक है, फिलहाल आप इसे 2-3 तरीके सॉल्व कर सकते हैं, फिलहाल मैं कोई तरीका बता रहा हूँ जिससे हम लोग क्या करें, सिर्फ एक लाइन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग मान लें उस वस्तु का जो भी क्रय मूल्य रहेगा अपने आप में क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। अगर 100% रहा होगा, जब ये इतने रुपए में बेच रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, इनको 12% की क्या हो जा रही है, हानि हो जा रही है। तो कह सकते हैं अगर 100% है, 12% हानि पर बेच दिए, तो ये दाम कितना ले रहे हैं, इसमें से कह सकते हैं आप 88% का ही तो दाम ले रही है। अगर 12% हानि पर ये बेच रहे हैं तो इसमें से दाम कितना, 88% का ले रहे हैं, और रुपए में कितना ले रहे हैं, इतना। तो कह सकते हैं 110 आपका 88% है, अगर इसमें 88 से भाग दे देंगे, 100 से गुणा करें, आपको क्या पता चल जाएगा, उस वस्तु क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, 110 बटा कितना, 88 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा लें, अभी क्या पता चल गया आपको, उस वस्तु क्रय मूल्य आपको पता चल गया। अब ये चाह क्या रहे हैं, 10% का लाभ कमाने हेतु वस्तु को कितने रुपए में बेचने चाहिए, आपको यही बताना है। ठीक है, अगर ये साइकिल उस वस्तु को क्या पता चल गया, क्रय मूल्य पता चल गया, 100% दाम पता चल गया। अब ये चाह क्या रहे, अगर 8% का लाभ चाह रहे, तो आप डायरेक्ट करिए क्या, इसका 108% निकाल दीजिए। तो यहाँ से ये 100 से 100 कट गया, यहाँ से 11 के 11 गया, 11 बटे 88 हो गया। अगर इसको काट दो इसको, तो 4 × 8 हो गया, और 4 × 7 = 28 हो गया, और 4 × 8 यहाँ से काट दो, 2 × 5 = 10। तो यहाँ से कैलकुलेशन करिए, तो 5 × 7 = 35 हो गया, और 5 × 10 = 3 कितना हो गया, 13 हो गया। अर्थात आप बता सकते हैं तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचनी चाहिए ताकि उससे क्या हो जाए, 8% का लाभ हो जाए। अगर वो क्या करेगा, उस वस्तु को 135 रुपए में बेचेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, 8% का लाभ हो जाएगा। तो देखिए कौन सा इसका मैच करा, 135 रुपए, तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।